बहुत अच्छी हो, बहुत खुश मिसानदाज में वेलकम टू माय चैनल। और अभी मॉर्निंग के सुबह के मतलब मैं उठ गई थी 5:30 बजे से, मैं उठी हुई हूँ और बस नीचे अभी मेहमान आने लगे हुए हैं ना, तो मैं फटाफट से नहा के नीचे गई और बस सब चाय वाय करना था और बस सब ऐसे काम वाम नीचे का था तो वो करके आई हूँ। और इसलिए मैंने ये वाली साड़ी और आज मेरा ब्लाउज जो किधर ही बग रहा है। एक्चुअली ना मैं नहाने के लिए गई थी, कल मैं दूसरी साड़ी पहनती, मैंने उसी का ब्लाउज डाली और इसका ब्लैक कलर का था, इसके ना हुक पीछे की तरफ थे, तो फिर मैंने सोचा कि इसको नहीं पहनती हूँ। तो आज मैं पूरी की पूरी अस्त व्यस्त हो रखी हूँ और अभी जाऊँगी प्रॉपर रेडी होने के लिए, तो वो वाला लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी तो मतलब मैं ऐसे रेडी हो गई थी, मतलब रेडी क्या हुई थी, कुछ भी नहीं पहना, देखो कानों में नहीं पहना, बिंदी नहीं लगाई, लिपस्टिक में काजल भी नहीं लगाया, देखो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। तो बस अभी थोड़ी देर से रेडी होंगी और ये पीछे ना सब पसेरा रखा हुआ है, अभी ये तो रेडी हो रहे हैं ना सब लोग, तो यहाँ पर सब पसेरा फैला हुआ है, तो मैं अभी रूम की हालत नहीं दिखाऊंगी, पहले रेडी हो जाती हूँ फिर अपनी खुलियाँ सुधार लेती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी रूम भी दिखाऊंगी। रूम पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, अभी ठीक ठाक रूम नहीं दिख रहा है कुछ भी। और अभी हम सब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो अभी हम सबके सब रेडी होने जाएंगे, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। तो चलो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली हम सब लोग हो चुके हैं रेडी और पीछे अनु देखो कितनी प्यारी लग रही है एकदम। और देखो यहाँ पे बुआ जी हम लोगों को बुलाने के लिए आए थे कि चलो नीचे मुहूर्त का टाइम हो गया। और यहाँ पे अभी आपको दीपिका को दिखा देती हूँ, तो दीपिका का पल्लू आ गया तो पूरी तरीके से दिख नहीं पाई थी, बल्कि सब लोग के सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो बुआ जी वही बोलने के लिए आए थे कि चलो नीचे पूजा का टाइम हो गया है, तो इसके बाद हम लोग अनु को लेकर आ गए थे जिस हॉल में पूजा वगैरह हो रही थी ना, जिस हॉल में हम लोगों ने रिंग सेरेमनी रखी हुई थी, वहाँ पर हम लोग आ गए। तो यहाँ पर पंडित जी रिंग सेरेमनी के लिए रिंग की पूजा कर रहे थे और इन दोनों से जो गणेश जी की पूजा होती है ना वो करवा रहे थे। तो यहाँ पर मैं साइड में बैठे दिख रही हूँगी, मैंने अपना खुद का फुल लुक तो नहीं दिखाया हुआ है, थोड़ा बहुत जो दिखाया हुआ है तो उसी में आप लोग मुझे बता देना कि मैं कैसी लग रही थी। और मुझे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो मैं रुमाल वगैरह कुछ लेके नहीं गई थी, तो बस पल्ला से ही अपना जो स्वेटिंग हो रही थी ना उसको मैं सही कर रही थी। तो यहाँ पर ना अंदर की तरफ सारी फीमेल्स मतलब लेडीज से बैठी हुई थी और बाहर की तरफ सारे के सारे जेंट्स बैठे हुए थे। तो अभी इन लोगों के रिंग्स भी दिखा देती हूँ। तो ये रिंग्स हैं इन लोगों की, अब क्योंकि रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली, तो चलो आप लोग अभी रिंग सेरेमनी को एंजॉय करो। इधर वाली पहले रिंग दे दो, दो रिंग दोनों को पहना है। हाँ ऐसे ऐसे हो जाओ थोड़े फिर से मैं मोबाइल में देख लो यार कुछ नहीं हो रहा। लो चलो चलो स्माइल कर दो प्यारी दी। अभी पंखा चालू कर देंगे, अब तो ये वाला पंखा चालू कर देंगे, कर दो कर दो कर दो कर दो कुछ नहीं है, कर दो अपने भुगे उड़ेंगे। चलो हो गए, अभी क्या हुआ, अभी अंगूठी पिलाना बाकी है। क्या मन नहीं है क्या, क्या हो गया, क्या बात हो गई, अच्छे से लोग
ब्रो फोटो वोटो बनी हो चुकी है, अब बारी आती है फोटो सेशन की। तो कपल फोटो सेशन बाद में करवाएंगे, तो पहले जो घर के बड़े थे ना, तो वन बाई वन आके सब लोग अपना अपना फोटो सेशन करवा रहे थे। तो ये सबसे पहले माँ और पापा आए थे फोटो सेशन के लिए, तो मेरे माँ और पापा ने आज मैचिंग मैचिंग ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब ऐसा कुछ उन लोगों ने फिक्स नहीं किया हुआ था, बाकी फिर भी हो गया, तो बहुत दोनों क्यूट लग रहे थे। और इसके बाद मेरे फर्स्ट नंबर के जो काका जी काकी जी है ना, वो फोटो सेशन के लिए आए। तो राज ना मोबाइल बहुत ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि हम मतलब दिव्या ने फ़ोन किसको दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि वो भी काम में लगे हुए थे ना, तो फ़ोन उन्होंने किसी को दे दिया था कि शूट कर देना करके, तो कैमरा बहुत ज़्यादा हिल गया है। तो आज ना कैमरे में जो शूट हुआ है ना, वो सब कुछ हिलता डुलता हुआ शूट हुआ है। तो जैसा भी हुआ यार, हर कोई इतना प्रोफेशनल थोड़ी ना होता है कि एकदम प्रॉपर तरीके से वीडियो ले, क्योंकि अपन लो तो अपनी आदत होगी ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेने की, तो हर कोई इतना प्रोफेशनल नहीं होता है ना कि एकदम प्रॉपर तरीके से ले। तो यहाँ पे देखो काका जी काकी जी ने फोटो सेशन करवा लिया हुआ है, ऐसे ही करके सब लोग वन बाय वन फोटो सेशन चल रहा था, सब लोगों का फोटो सेशन हो गया। इसके बाद सब लोगों ने खाना वाना खाया, सबको विदा विदा किया, उसके बाद हम सब के सब लोग रिलैक्स हो गए और खाली पीली अपना बैठ के टाइम पास कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, जो भी आप लोग बोलना चाहो बोल सकते हो, तो बस सब कुछ ऐसे ही। तो और हनी को तो देखो, हनी अपने ड्रेस भी चेंज करके आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने ना कुर्ता पजामा पहना था, शायद आगे उनके झलक आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ बैठे, और मैंने ना हाथ में अपने रुमाल बांधा हुआ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, मैंने बहुत सारे बैंगल्स पहने हुए थे ना, इसी वजह से मैंने रुमाल बांध लिया हुआ है हाथ में। कल वाला जो फंक्शन था ना, उसका मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया हुआ था, मैं खुद इतनी अस्त व्यस्त हो गई थी ना कि मैंने कुछ ज्यादा शूट नहीं किया। और अभी भी मैं सब काम करके बैठी हुई ना, तो ना तो मैंने कानों में पहना है, ना आंखों में कुछ नहीं है, आज सिंपल सोबर से घूम रही हूँ। और ये मेरा नीचे वाला घर है, किसी दिन होम टूर कराऊंगी तो दिखा दूंगी। और अभी मैं चलती हूँ ऊपर, और कल मैंने ना प्रॉपर तरीके से जो वीडियो होता है ना वो नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं प्रॉपर तरीके से खड़े हो के आप लोगों से थोड़ी देर बात करूँ। थोड़ी देर सुबह मैंने जो शूट किया था ना, बस उतना ही शूट किया, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं चल के आई ना तो मैं थक गई, पहले मैं बैठ जाती फिर बताती हूँ। तो मैं अभी अपने आ गई हूँ अपने रूम में, साड़ी गिर रही है, तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और मैं देखो कैसे घूम रही हूँ, बिल्कुल ससुराल में कोई बहू है ऐसे घूमती होंगी, बिल्कुल भी नहीं घूमती होंगी। और मुझे देखो मैं अस्त व्यस्त होके घूम रही हूँ। अभी मैं अपना रूम साफ की हूँ, और नीचे वाले पूरा घर साफ की हूँ, पूरा इधर वाला जो यहाँ पे भी बहुत बड़ा फ्लोर है ना, तो पूरे दोनों फ्लोर साफ की हूँ, और बस साफ सफाई करके बैठी हुई हूँ, जस्ट फ्री हुई हूँ। अभी 12 बज रहे हैं, क्योंकि कल मेहमान वगैरह आए थे ना, तो हमारे वैसे तो तीन घर है यहाँ पे, तो एक घर में सगाई करी, एक घर में खाना खाया, और एक घर में नाश्ता हुआ ना, तो सब अस्त व्यस्त हो रखा था। तो यहाँ पे फिर मैंने पूरी तैयारी, क्योंकि दूल्हा भी यहीं पे, मतलब दूल्हा मतलब कि दीपक जी भी हमारे यहीं पे तैयार हुए, और फिर हमारे यहाँ जो मेरी सिस्टर अन्नू थी तो वो भी यहीं पे तैयार हुई, तो सबका आना जाना लगा रहा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी भी थोड़ा सा गिर गया था, तो धूल मिट्टी कीचड़ सब कुछ बसा हुआ था घर में। और मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि मैं कल को शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा सा जो वीडियो क्लिप बनाई थी ना, बस उतनी बनाई, इसके बाद तैयार हुए। और फिर हम लोग नाश्ता भी नहीं करा था मैंने कल मॉर्निंग में, फिर दुल्हन को नाश्ता करवाया और हम लोग वहाँ चले गए। तो कल इंगेजमेंट का जो फंक्शन था ना, मतलब मुझे जो जो वीडियोज़ बने होंगे तो ग्रुप में आएंगे ना छोटे छोटे से क्लिप्स, तो मैं नहीं दिखूंगी आप लोगों को, शायद हो सकता है क्लिप्स में, बट जो भी क्लिप्स होगी मैं थोड़ी सी इसके आगे आपको ऐड कर दूंगी, इसके पहले ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था शूट करने का। और वैसे भी यार आप बहू होते हो ना, तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, कहीं दुल्हन को देखो, कहीं सामान लेना देना, तो आप फोन पर तो ध्यान दे नहीं पाते। और आपको पता है सिंगल मैंने ना रेडी हुई, तो मैंने अपनी और हनी की एक सिंगल फोटो भी नहीं ली, मैंने सोचा कि लास्ट में शूट करवाऊंगी अपनी फोटोज, बट नहीं हो पाता यार, इतना ज्यादा काम रहता है। और मैं तो कल पता नहीं कैसी घूम रही थी, अजीब गरीब सी, सर पे पल्ला जुड़ा, तो मैंने बालों की तो कोई हेयर स्टाइल की ही नहीं थी, क्योंकि पल्ला लेना था ना तो कुछ नहीं किया, बस ज्वेलरी वियर की मैंने। और वैसे मैंने छोटे से मैंने क्लिप बनाई उसमें देख लेना कि मैं कैसे रेडी हुई थी, बस वही सब कुछ था। और मैंने कुछ ज्यादा शूट नहीं किया हुआ था, बस थोड़ा वोड़ू सा कर दिया, और अभी बस मैं फ्री हुई हूँ और मैं जा रही नहाने के लिए। तो ये मेरी मेहंदी देखो कितनी प्यारा रंग आया है ना, इधर से भी दिखाती हूँ,
बहुत प्यारी लग रही मेहंदी, मतलब मैंने जब आपको दिखाया होगा ना तो बिल्कुल थोड़ी सी लाइट लाइट सी थी, बट अभी अच्छी हो गई है। और अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और मेरे पास ना अभी साड़ियों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, क्योंकि अभी 10 दिन हो गए ना, तो 10 दिन हो गए, तो 10 दिन में मैंने 3 साड़ियाँ मैंने रिपीट करी हुई है, बाकी की मेरे पास यहाँ पे रहती नहीं साड़ियों। मम्मी से 2 साड़ियाँ लेकर आई थी, वो है, तो अभी जो साड़ी है ना बस वही पहन रही हूँ, और एक साड़ी और है पर उसका पेटीकोट ही नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो उसको नहीं पहनूँ, तो जो है वही पहन लूँगी। और बस अभी थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, कल भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। कल सुबह ना मतलब हम लोग नाइट में, मतलब अगली नाइट में हम लोग 3 बजे सोए हैं, 3:30 बजे मतलब ऊपर आए मैं सोने के लिए 3 बजे, तो सब मुँह हाथ धुलते करते बिस्तर लगाते करते 3:30 बजे सो गई थी, और फिर 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि मैंने अलार्म लगाया हुआ था, तो 5 बजे उठ गई मैं, और फिर 6 बजे तक मैं रेडी हो गई। मतलब मैं नहा धो के क्या रेडी क्या होना था उसमें मुझे, मैं तो ऐसे तैयार हो गई, फिर मेन तैयार तो मैं बाद में हुई थी, वो वाली क्लिप आपको मिल जाएगी। बस ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया, पूरा फंक्शन निकल गया, पर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था, बस मैंने फ़ोन दे दिया था, जिधर उधर से वीडियो जो बने होंगे बस बने होंगे, मैंने खुद ने अभी कुछ भी देखा नहीं है, तो मैं अभी उनको देखूंगी कि कैसा क्या वीडियो बना है, तो जो भी क्लिप्स होंगे मेरे पास मैं उनको ऐड कर दूंगी आगे, तो आप लोग भी देख के थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लेना, और प्रॉपर देखने को नहीं मिले तो प्लीज़ उसको भी इग्नोर कर देना आराम से, मतलब कभी जब सीडी आएगी ना उसकी, तो फिर मैं आपको जब वीडियो आएगा तो मैं उसमें किसी दिन आपको प्रॉपर दिखा दूंगी, अभी तो कुछ भी नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि मतलब आप बहू हो ना तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती, तो अब ससुराल है तो ससुराल जैसे रहना पड़ता, मायका होते तो बात अलग होती कि आपको कोई काम नहीं करना होता, बस आपको देखना रहता है कि ऐसे, क्योंकि सब बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, पर यहाँ पर खुद ही करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो मैनेज नहीं हो पाती, कि आप ब्लॉगिंग करते हो तो सारी चीज़ें इतनी आसानी से मैनेज नहीं हो पाती है। बोला भी था बहुत से लोग कर भी रहे थे मेरी, मैंने कहा था कि मुझे वीडियो पाया, क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारी इधर लेन देन करना वरना जो भी था ना वो सब कुछ देखना था, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया अपना शूट करने के लिए, और अपने आप को ना मैं प्रॉपर लुक भी नहीं दिखा पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और अभी मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड, क्योंकि ना ये वाला वीडियो कल से चला जा रहा है, और अभी तो ये थोड़ा सा मैंने शूट किया, तो मेरे पास क्लिप्स आएंगी तो मैं उनको भी ऐड करूंगी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं अभी इस वाले वीडियो को कर देती हूँ यहीं पर एंड। अगर आज वाला मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, मुझे पता नहीं कैसा वीडियो बना होगा, बट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरा नया कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।